हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या लेवल्स रहेंगे और कौन सी चीजें हैं जो कि इनके ऊपर इंपैक्ट डाल रही हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 2 मई 2024 को, यानी कि थर्सडे को, क्या रह सकता है, क्रूड ऑयल में लेवल्स कौन से रहेंगे और क्या चीजें इंपैक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और क्रूड ऑयल तो यहाँ पर शाम को आज ओपन हुआ था, क्योंकि दिन में छुट्टी थी, शाम को 5 बजे के बाद ओपन हुआ था यहाँ पर। लेकिन यूएस ऑयल जो है वो पूरा दिन पर चलता रहा, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमें मूव यहाँ पर देखने को मिला है यूएस ऑयल में। और अगर आपने यूएस ऑयल में ट्रेडिंग करी होगी तो आपने अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। और साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हमने आपको अपडेशन दिया था, जो पिछले वीडियो में बताया था। वैसे वैसे सुबह डाटा आया वो क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव था, और उसकी वजह से ये नीचे हो गया। उसके बाद शाम को क्रूड ऑयल का डाटा आया, वो भी नेगेटिव था। हमने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेशन दिया था दोनों ही का, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डाउनसाइड को मूव आए और काफी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट डे भी अपडेट आ रहा है, और डेली हम आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं जिनमें कि हम बताते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम जो है अच्छी खासी मूवमेंट होने वाली है, और वो टाइम होता है जिस टाइम कुछ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डाटा आता है। तो उसकी वीडियो हम यहां पर आपके लिए लेकर के आते हैं डेली। आप उस वीडियो को यहां पर आई बटन में मिल जाती है आपको, वहां पे आप इसे देखा कीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट डे भी हमें अच्छा डाटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक तो अभी डाटा आया है कुछ टाइम पहले ही, जो कि यहाँ पर फेड का इंटरेस्ट रेट का डाटा था, जो कि उन्होंने उतना का उतना ही रखा है, जो कि डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव है। और यहाँ पर वो थोड़ा सा सपोर्टिव भी हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए, अगर और चीजें इंपैक्ट ना करें तो थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर वो उसे दे सकता है क्रूड ऑयल को, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इसकी वजह से जो है गिरावट हो सकती है डॉलर इंडेक्स में। अभी जो है थोड़ा सा जब सुबह होगी उस टाइम हमें मूव देखने को मिल सकता है, और इसकी वजह से यहाँ पर सपोर्ट हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। साथ ही जो सीज फायर यहाँ पर की ओर बढ़ रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही थी उसकी वजह से भी नेगेटिव आ रहा है, वो भी एक नेगेटिव आने का इम्पैक्ट यहाँ पर उसका रीजन है। तो अब हम यहाँ पे लेवल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे जो लेवल है यहाँ पर 6631 के नीचे, यहाँ पर जो है अभी फिलहाल इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ये देता है तो फिर हमारा 6720 नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 6774 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट 6812 रहेगा, और इसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट है हमारा यहाँ पर 6869 रहेगा। और नेक्स्ट डे जो है डाटा आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, शाम को डाटा आ रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पर, और साथ ही नेचुरल गैस का डाटा भी आ रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आ रहे हैं। आप हमारी आई बटन में यहाँ पर वीडियो है उसको जरूर देखिए, और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मूव देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अपडेशन उनका दे देते हैं कि क्रूड ऑयल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो डाउनसाइड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये लेवल है 6580। 6580 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 6518 रहेगा, और काफी ज्यादा सपोर्ट इसके बाद यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें। ये फिलहाल यहाँ पर भी हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि जो फेड का डाटा है उसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर हमें और ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे भी इसने रेड कैंडल की क्लोजिंग दी तो काफी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ऊपर के जो लेवल मैं आपको बताता हूँ वो जो पर्टिकुलर लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए 1 आवर के कैंडल की। अगर क्लोजिंग आती है उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट एक्टिवेट होता है, अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो फिर एक्टिवेट नहीं होता। तो अब हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में जब आप ट्रेडिंग करते हैं लाखों में मार्जिन रखना पड़ता है, हजारों में मार्जिन रखना पड़ता है, और क्रूड ऑयल कई बार बंद भी होता है, और टाइमिंग भी इसकी जो है वो फिक्स है। लेकिन जो यूएस ऑयल है वो आपको 24 में से 23 घंटे चला रहता है, छुट्टियों का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। सैटरडे संडे को भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, और साथ ही जो है दुनिया का नंबर 1 एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप उसका यूज कीजिए। तो एक्सनेस का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मैं खुद उसका इस्तेमाल करता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, और मैं जो है इसके फीडबैक जो है बहुत ही बढ़िया हमेशा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। और बाकी जो प्लेटफॉर्म है कहीं बैन भी हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करता। इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप एक्सनेस का यूज कीजिए। इनका जो कस्टमर केयर सपोर्ट है जबरदस्त है, लाइव चैट आप 24 घंटे कर सकते हैं, साथ ही विड्रॉ जब आप करते हैं तो उसकी वीडियोज भी मैंने यहाँ पर बता रखी है, विद इन 1 और 2 आवर आपके अकाउंट में सीधा पैसा आता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर
जो है इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएस ऑयल में आप ट्रेडिंग जो है सिर्फ $4 से कर सकते हैं। लाखों में मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ $4 से आप यूएस ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ पर मूव भी बहुत बढ़िया आते हैं। तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप यूएस ऑयल का यूज कीजिए ट्रेडिंग के लिए, और उसके लिए आपको एक्सनस का प्लेटफॉर्म ओपन करना है, उसे जल्दी ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 78.69 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 78.07 रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे देखने को मिल सकता है। जबकि यहाँ पर ऊपर की तरफ को यहाँ पर 79.24 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पर 80.12 रहने को मिल सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 80.94 यहाँ पर रह सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल आती है तो 81.46 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रह सकता है। और यहाँ पर जो है ये हमारी जो वीडियो है इसमें हमने आपको जो बताया है डाटा, आई होप आपको ये पसंद आया है और आपको प्रॉफिट भी होता है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।